पर भी हमने देखा स्क्वायर रूट का मतलब कितनी पावर, क्या बताया था? स्क्वायर रूट एक्स इज एक्स पावर, क्या पावर बताई थी? स्क्वायर रूट इज जी, स्क्वायर रूट का मतलब एक्स की पावर कितनी बोली थी आपको? कुछ नहीं याद रहता, 1/2। इसीलिए हमने क्या कहा था, अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हो, ये पावर रूल, एक्सपोनेंट्स के रूल क्या है, एक्स पावर एम होल पावर एन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसीलिए आपके पास एक्स मिलता है। वेन एवर यू डू एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, आपको जो आंसर मिलता है वो एक्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि अंडर रूट इज सेम एज एक्सपोनेंट 1/2। एक बात और बताना जरा मुझे, अगर मैं कहूं रूट एक्स इंटू रूट एक्स किया तो क्या मिलेगा मुझे, बता सकते हो? एक्सपोनेंट्स का, बस ये बातें नहीं, एथ एफ, ध्यान आगे सिर्फ। If I do root x into root x, what are you going to get? Can you tell me? X की पावर 1/2 into x की पावर 1/2, बेस सेम होने पर पावर्स एड हो जाती हैं, तो पावर हो गए 1, सो रूट एक्स इंटू रूट एक्स बिकम्स एक्स। ठीक है जी, अब कुछ बेसिक रूल हैं हमारे पास, ठीक है जी, इसके बेस पे पूरा का पूरा आपका चैप्टर ये वर्कआउट हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। जल्दी से एक बार रूल्स जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उन्हीं की हमने यहाँ पर वापस बात कर लेनी है। सबसे पहले ए पावर एम इंटू ए पावर एन, बताओ जी क्या होगा? ए पावर एम प्लस एन, सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए पावर एम अपॉन ए पावर एन क्या होगा बच्चों? ए पावर एम माइनस एन, बेस सेम होने पर अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स या पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। थर्ड, ए पावर एम होल पावर एन, बताओ जी क्या होगा? ए पावर एम एन, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। अगर मेरे पास है ए बाय बी होल पावर एन, कैन आई राइट इट एज ए पावर एन अपॉन बी पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको? चलिए फिर एक बात और बता दो, अगर मेरे पास हो ए बी पावर एन, कैन बी रिटन एज ए पावर एन इंटू बी पावर एन। ए पावर माइनस एम, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गड़बड़ होती है। हाउ डू वी कन्वर्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट इन पॉजिटिव? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, आई राइट इट एज 1/ ए पावर एन। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, वन। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज वन। ये हमारे पास कुछ बेसिक से रूल जिनके ऊपर हमने बातें करनी है। यहां पर एक आपके पास टर्म है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो आप कई जगह पहले भी यूज कर चुके हो। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हमने रैशनल नंबर्स में भी की थी। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? इफ आई से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3, व्हाट विल बी योर आंसर? 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3।
तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या हो जाता है? वन। तो एक्सपोनेंट्स में भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जरूरत हमें पड़ जाएगी। यहां पर देखो, ए पावर माइनस एम इंटू ए पावर एम, बताओगे क्या बनेगा? बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर आपके पास एक जगह पावर माइनस एम है, एक जगह एम, कैंसिल हो गया, ए पावर जीरो वन बन गया। इसका मतलब ए पावर माइनस एम इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए पावर एम, एंड ए पावर एम इज दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए पावर माइनस एम। ये बात समझ में आई है? चलिए जी, तो यही कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है इस चैप्टर के अंदर। तो पहले हम असर्शन रीजन देख रहे हैं। देखो जी, फर्स्ट असर्शन रीजन, ये रूल्स, बस थोड़े से रूल हैं जिनके ऊपर सारा काम चल रहा है। तो ये रूल्स मालूम होंगे तो क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है हमारे को। चलिए अभी रूल्स लिखे रहने देते हैं। असर्शन रीजन की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट असर्शन रीजन है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड बेस नंबर। फॉर एग्जांपल, इन 3 पावर 5, 3 इज द बेस। देखो जी, अगर मैंने कहा ए पावर एम, इसमें ये है बेस, ये है एक्सपोनेंट, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दिस इज पावर। जब हम बोलते हैं तो हम लिख देते हैं ए पावर टू, ये एक्सप्रेशन को बोलते हैं ए पावर टू, बट इंडिविजुअली ये ए क्या है? बेस। ये एम क्या है? एक्सपोनेंट। आपके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आपका बेस पॉजिटिव हो, ध्यान से पहले मेरी बात का जवाब देना। दो बातें हैं हमारे पास, एक है बेस और एक है एक्सपोनेंट। मेरे पास बेस जो है एम, एक्सपोनेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शन, कैन बी होल नंबर, कैन बी नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मेरा बेस पॉजिटिव है, बेस इज पॉजिटिव, तो ए पावर एम का आंसर कैसा आता है? पॉजिटिव आता है या नेगेटिव भी आ सकता है? एट एफ, ये बुक में क्या देख रहे हो, इसको बंद कर दो, जो बोर्ड पे हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे लो, ये बाद में देख लेना। किताब भी आप ही के पास है, कहीं भाग तो जा नहीं रही है वो। हाँ जी, हमने बात करी कि एम पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी हो, ए पॉजिटिव अगर मैंने रखा तो ए पावर एम का जो आंसर होगा वो कैसा होगा? क्या वो भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है? सपोज मैं कह रही हूं 2 रेज टू पावर -5, मेरा आंसर कैसा होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर बेस पॉजिटिव है तो ए पावर एम हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। इफ ए इज पॉजिटिव देन ए पावर एम इज ऑल्सो पॉजिटिव, इट कैन नॉट बिकम नेगेटिव। पावर नेगेटिव हो रही है, पावर नेगेटिव होने का मतलब मैं इसको लिख दूं 1/2 पावर 5, सो 1/32, आंसर मेरा कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा अगर बेस पॉजिटिव है। अगर बेस नेगेटिव है फिर मेरे आंसर प्रोबेबली नेगेटिव में जा सकते हैं, बेस पॉजिटिव होने पर नहीं जा सकते। तो यहां पर असर्शन में मुझे कहा गया, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड बेस नंबर। एज इन 3 पावर 5, 3 इज द बेस, एंड 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? इफ आई एम राइटिंग 3 पावर 5, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? टाइम्स। दिया द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड इट्स एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन 3 पावर 5, 5 इज द
एक्सपोनेंट, यही बात हम करके हटे हैं कि ये बेस है ये एक्सपोनेंट है। 3 पावर 5 में अगर हम बात करें तो 3 आपका बेस हो गया और 5 आपका एक्सपोनेंट हो गया। तो यहां पर आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो आंसर फॉर फर्स्ट असर्शन रीजन इज थर्ड की बात करते हैं, थर्ड असर्शन रीजन। सेकेंड वाले को 2 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, थर्ड वाले पे चलो पढ़ो जल्दी से, मैंने अब माइक के पास बुला के पूछना है, फटाफट पढ़ लो जरा थर्ड असर्शन रीजन बिना बातें किए, जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ। ये 6th F के माइक अपने आप आवाजें करना क्यों शुरू कर देता है? चलिए जी, पढ़ लिया आपने थर्ड असर्शन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल नंबर गिव्स द प्रोडक्ट एज 1। पढ़ लिया सबने? लाओ जी, फिर अब मुझे आंसर करना है 8th B से। गुरनीत, गुरनीत फ्रॉम 8th B। हाँ जी 8th B, आप जोर से बोलो बेटा, इज इट ओके और नॉट असर्शन, इज इट ट्रू? फॉल्स। हाँ जी, फॉल्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल नंबर गिव्स द प्रोडक्ट एज 1। दिस इज रॉन्ग। दोबारा देखो, हमने क्या किया, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1। डू वी से 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हम? ऐसे ही डिफाइन किया था हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रैशनल नंबर के टाइम पर भी, जब हमने बात की थी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। जब हम एक्सपोनेंट्स में बात कर रहे हैं तो हमने कहा ए पावर माइनस एम इज दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए पावर एम, क्योंकि ए पावर माइनस एम इंटू ए पावर एम इज ए पावर 0 विच इज 1। ठीक है जी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। चलिए सेकंड में हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशंस की बात हो रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है। चलो इसको एक बार पहले देख ही लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ गिवन नंबर? स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सब एक ही बातें हैं। आई से स्टैंडर्ड फॉर्म और आई से साइंटिफिक नोटेशन और आई से एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ऑल मीन्स सेम। और ये किसके लिए यूज करते हैं हम? ये हम बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखने के लिए यूज करते हैं। बहुत बड़े नंबर की हम बात करें, जैसे आप देखिए आपका असर्शन है, सेकेंड असर्शन, विद 6 हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 9 जीरोज। कितने जीरोज हैं इसमें? हेलो 12 जीरोज। 6 के साथ 12 जीरोज है। एक है, मैं इसको 8, 10 और 2, 12 ऐसे लिखूं तो इसको रीड करना ही बड़ा मुश्किल है कि क्या है ये। अब मैंने क्या किया, मैंने एक होल पार्ट और बाकी सबको 10 की पावर्स में एक्सप्रेस कर दिया। हाउ मच इज 10 की पावर हियर? 12। अगर मैं 10 को 12 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 12 जीरोज मिल जाएंगे अलॉन्ग विद 1। उसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। मैं इस नंबर को, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उसको ये फॉर्म में लिखने की बजाय इस फॉर्म में लिख दूं तो मुझे आसानी से समझ में आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं।
ठीक है जी। सो जो आपकी साइंटिफिक नोटेशंस हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं वो आसान कर देती हैं मेरे काम को, अगर मैं क्या करूं, एक होल पार्ट और बाकी सबको 10 की पावर्स में ले जाऊं। ये है आपकी साइंटिफिक नोटेशन। तो यहां पर हमने क्या कहा है, 6 × 10⁻⁹ लिखा हुआ है, क्या ये करेक्ट है? ये रॉन्ग हो गया। रीजन दिया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ अ नंबर हेल्प अस टू एक्सप्रेस एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स इन अ वेरी कन्वीनियंट वे। दिस इज ट्रू। ठीक है जी। तो अब एक बार मुझे जरा आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के बताएंगे, 3186 4 टाइम्स 0, 3186 4 टाइम्स 0, हाउ टू राइट इट? होल पार्ट में सिर्फ एक डिजिट रखनी होती है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब होल पार्ट में ओनली वन डिजिट। अच्छा सो होल पार्ट में सिर्फ क्या रखना है मुझे, 3। उसके बाद कितने नंबर पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट 3.186 × 10⁻⁷। हाउ टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन द होल पार्ट यू आर सपोज टू पुट ओनली वन डिजिट, वन होल नंबर। यहां पर वो होल नंबर जो पहला वाला आपका पड़ा है नंबर, वो आपका आ जाएगा लेफ्ट मोस्ट, 3.186, और 3 के बाद जितनी डिजिट्स पड़ी थी वो 10 की पावर में हम ले गए हैं। अब अगर मेरे पास नंबर हो 8 3 4 7 6 4 0s, बताओ जी क्या करोगे, हाउ एम आई गोइंग टू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? एट पॉइंट थ्री फोर सेवन सिक्स इंटू 10 की पावर कितनी, ये 8 आएगा बेटा, 2 2 4 2 6 और 2 8 है ना। अब अगर ये तो है बहुत बड़े नंबर का एक्सप्रेशन किया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर बहुत छोटा नंबर है, लेट अस से आई हैव 0.00001275, अब बताए क्या करेंगे? अब इसमें लिखना तो 1.275 ही है, क्योंकि होल नंबर से जो आपका होल पार्ट है उसमें एक ही डिजिट आ सकती है। ये 4 जीरोस और एक ये जो आपने होल से पहले रखा उसको काउंट कर लो, कितने हैं? अच्छा तो कर दो 10⁻⁵। ठीक है जी। जितनी जीरोस और जो एक डिजिट आप होल नंबर बना रहे हो वो सारा काउंट करोगे, और अब पावर किस में जाती है, नेगेटिव में जाती है, पॉजिटिव में नहीं जाएगी। अब सपोज मेरे पास नंबर है 0., बताओ जी साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। जल्दी जल्दी बोलो, व्हाट विल बी द साइंटिफिक नोटेशन? विल इट बी 5.61 × 10 की पावर, बताओ कितनी, 9। 8 जीरो और एक ये नंबर भी साथ में काउंट करना है मुझे, तो यहां से यहां तक 9 डिजिट, सो पावर विल बी -9। अब आपका नंबर है पॉइंट
0 0 0 4 5 6, जल्दी से बता दो इसका फॉर्म। -4, 3 0s और एक, ये 4 पड़ा था जिसको मैंने होल पार्ट बनाया, वो साथ में काउंट करना है, तो ये चारों कर लिए, तो 4.56 × 10^-4। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस वेरी स्मॉल नंबर्स और वेरी लार्ज नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए जी वापस तो चलते हैं, हम सेकेंड हम कर चुके हैं। सेकेंड में असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, सो आंसर हो गया डी। थर्ड भी हमने कर लिया, थर्ड में आंसर बी है, दोनों अपनी अपनी जगह ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक एक्सपोनेंशियल या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, पावर इज डिफाइंड एज द होल एक्सप्रेशन ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन दैट इंक्लूड्स बेस एंड एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, 6 पावर 4 इज द पावर, 6 इज द बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट। ये बात थोड़ा ध्यान से समझना, पावर और एक्सपोनेंट दो अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। जब हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो हम पावर और एक्सपोनेंट को एक ही मान के चलते हैं, हम कहते हैं 6 पावर 4, 3 पावर 2, तो जो एक्सपोनेंट है उसी को पावर मान लेते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। ध्यान से मेरी बात को एक बार दोबारा देख लेना, जब हमने कहा 3 पावर 5, इसमें 3 है बेस, 5 है एक्सपोनेंट, और ये पूरा एक्सप्रेशन दिस इज पावर। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट एंड पावर। यहां कहा गया पावर इज डिफाइंड एज द होल एक्सप्रेशन ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, दिस इज रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, आई एम मल्टीप्लाइंग 3 5 टाइम्स। सो पावर इज द होल एक्सप्रेशन ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन दैट इंक्लूड्स बेस एंड एक्सपोनेंट। और आपको एग्जाम्पल दे दिया, 6 पावर 4 इज द पावर, पूरे एक्सप्रेशन को बोला पावर, 6 है बेस और आपका 4 हो गया इसमें एक्सपोनेंट। सो असर्शन तो है आपका ट्रू, वॉट अबाउट द रीजन? रीजन सेज 5 raised to power 4 upon 5 square इज 5 power 6, इज इट करेक्ट और नॉट? हाँ जी, सही है या गलत है ये? सही आंसर बताना क्या होगा? 5 power 2, बेस सेम हो रहे हो, नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। यहां मैंने पावर्स को कर दिया ऐड, ऐड नहीं करना, क्या करना है मुझे? सब्ट्रैक्ट। तो आंसर इन दिस केस शुड बी 5 square। सो यहां पर असर्शन है ट्रू, रीजन है फॉल्स, सो आंसर हुआ सी, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, आंसर इज सी। तो इस पूरे चैप्टर में दो ही बातें हैं आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड एक्सपोनेंट्स का कैलकुलेशन। एक्सपोनेंट्स में 7th क्लास तक जब आपने काम किया तो आप पॉजिटिव पावर्स के साथ ही डील कर रहे थे, अब आप नेगेटिव पावर्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स की भी बात करेंगे। रूल्स वही रहने हैं, रूल्स में कोई चेंज नहीं है, सो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान सा चैप्टर है बिल्कुल। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में अब मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगी, आई विल गिव सम टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, आई विल कॉल द स्टूडेंट ऑन द माइक टू गिव द आंसर। सो सबने अपना अपना काम करना है, किसी को भी मैं बुला सकती हूँ माइक के पास, और उस टाइम पे अगर कोई अपनी अपनी असाइनमेंट ढूंढ रहा होगा या पड़ोसी से पूछ रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वहां पे जो टीचर्स हैं उन्हीं से मैंने फिर तुम्हारा काम करवा देना। ये मत सोचना कि मैडम तो आ नहीं सकती, मैडम नहीं आ सकती तो क्या हुआ, वहां पे तो मैडम टीचर है ही है ना आपके सामने, बस फिर। तो हर बच्चे ने अपना अपना काम करना है इंडिविजुअली, एक दूसरे को नहीं देखना है। आई कैन कॉल एनी बडी ऑन द माइक टू गिव द आंसर, सो बी अटेंटिव इन द क्लास। ठीक है जी, फटाफट पेन कॉपी निकालो, असाइनमेंट खोलो और हम पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे ध्यान से। इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या बोला गया है, फिगर आउट द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन गिवन बिलो इन सीक्वेंस एंड फाइंड इट नेक्स्ट टू अ डॉट
कनेक्ट द डॉट इन द सेम ऑर्डर. बी केयरफुल टू लिफ्ट योर पेंसिल एंड बिगिन अगेन. ईच टाइम यू सी द इंस्ट्रक्शन लिफ्ट पेंसिल यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. कैन यू बिल्ड इट? क्या दिया आप? देखो आपको यहाँ पर कुछ डॉट्स दिए हैं. अगर आप अपने फिगर को देखते हो जो दे रखा है, कुछ डॉट्स हैं, कुछ डॉट्स को ज्वाइन करके दिया गया है, बाकी सब डॉट्स के साथ कुछ नंबर दिए गए हैं आपको लिख करके. ये जो नंबर्स हैं ये आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. ये जो 20-21 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं उनके आंसर्स हैं. तो करना क्या है, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वहां से शुरुआत करोगे, जो अगला आंसर आएगा वहां तक डॉट को ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन के साथ. ठीक है, जैसे पहले 8 क्वेश्चन हैं आप कंटिन्यूटी में ज्वाइन करते जाओगे, लेकिन जो 9th क्वेश्चन का आंसर है वो नेक्स्ट से शुरू होगा. 8वां जहां खत्म हुआ और 9वें का जो आंसर है उसको ज्वाइन नहीं करना, 9th से अगला आपको बिगिन करना है, ज्वाइन करना. पहले बताओ इंस्ट्रक्शन समझ में आई है? फटाफट सब अपने पहले मॉड्यूल खोलो. लुक एट द फिगर दैट इज गिवन. यू कैन सी नंबर ऑफ डॉट्स, फ्यू डॉट्स हैव ऑलरेडी बीन ज्वाइंट और बाकियों के साथ आपको कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं. ये जो नंबर्स हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. अगर हम उनको एक सीक्वेंस में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक ऑब्जेक्ट बना हुआ दिखेगा आपको. वो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चीज है. ठीक है जी, तो पहला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/5 होल पावर 6. -4/5 होल पावर 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है. दे रही हूं आप लोगों को मैं कुछ टाइम, जल्दी से निकालो सभी के सभी. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था? ऐसा नंबर जिसके साथ, या रेसिप्रोकल. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग बट दी रेसिप्रोकल. -4/5 पावर 6 का रेसिप्रोकल ढूंढो क्या है. अब मैं माइक पे बुला के पूछना है, ऐसे नहीं हमें काम करना, क्योंकि आधे बच्चे तो बैठे ही रहते हैं कि हमसे कौन सा कुछ कहा जा रहा है, बैठे रहो आराम से. पर अब आई कैन कॉल एनी बडी. सो फटाफट सारे के सारे अटेंटिव होकर के अपना काम करेंगे और पीछे कोई नहीं देखेगा. पीछे क्या है, सब कुछ जो है सामने ही है. पीछे तो कुछ भी नहीं है ना. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/5 होल पावर 6. एट सी से सुखचैन, सुखचैन फ्रॉम 8C. यस आंसर बताओ बेटा क्या है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/5 पावर 6. मल्टीप्लिकेटिव, हाँ बोलो बेटा. 5/4 5/4, -5/4 ओके, और पावर क्या? 6 6. -5/4 पावर 6. यहां दिया है -4/5 पावर 6. अगर मैं इसको -5/4 पावर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो आपके पास नेगेटिव साइन तो गया क्योंकि पावर 6. 4/6 अपॉन 5/6, 5/6 अपॉन 4/6 कैंसल आउट होकर के आंसर 1 मिल रहा है. ठीक है जी, या अदर वे राउंड हम कहें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का होता है उसका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में रह जाएगा. सो -5/4 पावर 6. तो डॉट मिल गया आपको जहां पर -5/4 पावर 6 लिखा हुआ है. एवरीबडी कैन लोकेट द डॉट वेयर -5/4 पावर 6 इज गिवन. चलिए वहां से अब आपको अगले आगे चलना है. अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है मुझे. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5 पावर -2 8D से मुझे बताना है सिया ने. सिया फ्रॉम 8D, जिसका नाम लिया जाए इधर उधर देखे बिना फटाफट माइक पे आ जाया करो. होता है 5 पावर 4/5 पावर
टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ए पावर माइनस एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ए पावर एम, बिल्कुल ठीक है जी। सो 4/5 पावर माइनस टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/5 पावर टू। 4/5 पावर टू जिस डॉट के बाहर के पास लिखा है वो मिल गया आपको, पहले वाले डॉट से वो वाले डॉट को ज्वाइन कर दो। एक डॉट के पास -5/4 पावर 6 लिखा है और उससे थोड़ा सा इधर देखेंगे तो 4/5 स्क्वायर पड़ा है, ये दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। कर दिया? हाँ जी, हैव यू डन इट? यस। नेक्स्ट है मेरे पास, सिंप्लीफाई करना है गिवन एक्सप्रेशन को। चलिए जी, फटाफट करिए, मैं बुलाऊं फिर सीट किसी को भी माइक के पास, जल्दी जल्दी करो। थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2/3 पावर -3 divided by 4/3 पावर -2। ध्यान से करना, गड़बड़ मत करना। हाँ जी, आया किसी का आंसर? चलिए जी, मेरे को 8D से, वो पीछे एक हाथ खड़ा है पीछे कॉर्नर में, बिल्कुल सिक्स। सिक्स। किस किस का आंसर आया है सिक्स? एथ ई से ना सी से किसी का आंसर नहीं आया, एफ से भी नहीं आया। चलो फिर आप मुझे बताओगे सिक्स कहाँ से लाए हो, समझाओ जरा। आप नीचे करो सारे। बोलो बेटा क्या करूं? हाँ जी, रेसिप्रोकल कर दूं, क्या लिखूं? 3/2 पावर 3 डिवाइड बाय, इसको क्या लिखूं? 3/4 पावर 2। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ काम करना हमारे लिए हमेशा मुश्किल है, तो पहला काम क्या करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। जब नेगेटिव को पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/5 पावर -2 4/5 स्क्वायर, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके लिखा, फिर क्या करें? अभी 3/2 पावर 3। थ्री क्यूब अपॉन 2 क्यूब divided by 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद अभी 3/4 का है। डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शंस पड़े हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन की जाती है।
यहां से बच गया सिर्फ तीन, फोर स्क्वायर 3 × 4² इज 16 और 2³ इज 8, तो आंसर इज वेरी गुड। चलिए सीट पर। दोबारा देखो हमने क्या किया, नेगेटिव पावर्स के साथ कभी भी हम काम करना पसंद नहीं करते, नेगेटिव नंबर्स हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम ही आते हैं, ये हमें मालूम है। तो सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका कर दिया रेसिप्रोकल, सेम वे यहां पर। अब जब डिविजन करते हो तो आपको मालूम है न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन सेम रखा जाता है और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लीकेशन करी जाती है। यहां था 3³, यहां था 3² एक्सपोनेंट का रूल लगाओगे तो ये तीन पावर नीचे 2 पॉजिटिव का पड़ा है, सब्ट्रैक्ट होकर के 3 आ गया, इसको भी आप एक्सपोनेंट्स में ले जा सकते हो। 4² को लिख सकते हो 2² का स्क्वायर और नीचे पड़ा है 2³, तो ये हुआ 2 पावर 4 और नीचे हुआ 2 पावर 3। बेस सेम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो 2 बचेगा, 3 × 2 = 6। ज्वाइन कर दिया 6 से। चलिए फिर अगले क्वेश्चन का आंसर मैंने लेना है। अब 8th D से तो मैं ले चुकी हूं, 8th E से मैंने आंसर लेना। फटाफट सॉल्व कर दो, जरा जल्दी से सॉल्व करना। आंसर मैंने लेना है 8th E से, पहले ही बता दिया मैंने, फटाफट कर लो बच्चों। 8th E क्वेश्चन है आपका, 5 पावर -1 × 2 पावर -1 / 6 पावर -1। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात करके हटे हैं कि हमें नेगेटिव पावर्स के साथ काम करना पसंद नहीं है, नेगेटिव पावर्स को फटाफट से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। 8th E स्टूडेंट से मैंने आंसर लेना है, किसी को भी बुला सकती हूँ, फटाफट कर लो जरा। परमजोत 8th E, परमजोत बच्चे जल्दी से माइक के पास। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। मॉर्निंग में बताओ जी क्या करें। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कराओ पहले, तो जल्दी से बताओ 5 पावर -1 का एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना है, क्या लिखूं? हाँ जी, 1/5। बिल्कुल ठीक है। 2 पावर -1 को क्या लिखूं? 1/2। 1/2 परफेक्ट। और 6 पावर -1 को लिख दिया 1/6। इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये क्या बन गया 1/10 / 1/6। सिंप्लीफाई कराओ आगे। देखो ये ऊपर एक फ्रैक्शन पड़ा है, नीचे भी फ्रैक्शन पड़ा है, इसको कैसे डिवाइड करते थे छठी क्लास में सीखते थे, 7th में 6th में 6th में 7th में कहीं भी। न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन सेम रहता है और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? 6/1 / 1। डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो इसको फाइनली कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल, 2 3 2 5 0। सो माय आंसर इज 3/5 / 5। एनीवन हु इज नॉट एबल टू गेट इट। चलिए बेटा चलिए सीट पे, गुड। सबसे पहले कहीं पर भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल्स। दूसरी जो चीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है दैट इज डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस। जब दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हो, न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन ऐसे ही रहता है, उसकी डिविजन जिस फ्रैक्शन से हो रही है उसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है और इसके लिए मैं 8th F से बुला रही हूँ
प्रथम प्रथम फ्रॉम एथ एफ। आ जाओ बच्चे जल्दी से आ जाओ, फटाफट बता दे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया बेटा तेरे पास तो। बोलो प्रथम। मुझे दिया है 3/2 की पावर -2 और फिर पूरे की पावर -2। हाँ जी बेटा क्या आएगा, जोर से बोलो, क्या बोल रहा है ये, आप कोई और बताए, मुझे समझ में आ रहा क्या बोल रहा। 1/16, 81/16, यही कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये और ये पावर्स आपस में क्या हो जाती है बेटा, ऐड होती है, मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई, ए पावर एम होल पावर एन इज ए पावर एम इनटू एन एंड नॉट ए पावर एम प्लस एन। तो ये बन गया 3/2 की पावर 4। 3 पावर 4 इज 81, 2 पावर 4 इज 61। बिल्कुल ठीक है जी, ज्वाइन करते जाना, बस आपका कोई डॉट मिस नहीं हो जाए, नहीं तो फिर जो फिगर चाहिए वो मिलेगा नहीं और समझ नहीं आएगा कहाँ पे गुम हो गया। कर लिए सभी ने डॉट्स ज्वाइन? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, कर लिए हैं तो। मैम 81/16 है। मैंने कहा नहीं बोलने के लिए, इसका आंसर भी 81/16 ही आ रहा है। चलो आ रहा होगा तो देख लेते हैं, आ नहीं सकता है वैसे क्योंकि नेगेटिव साइन पड़ा है और ऑड पावर पड़ी है, तो 81/16 तो पॉसिबल ही नहीं है आंसर आना, आंसर तो नेगेटिव में आएगा जो भी कुछ आएगा। चलिए चलिए फटाफट सॉल्व करिए। अपना अपना काम करें ताकि आपको समझ में आए कि कहां पर क्या गड़बड़ करते हो। आंसर मैंने अब 8A का माइक चल रहा है, 8A स्टूडेंट्स, 8A से आकृति। हाँ जो बेटा माइक के पास और मुझे बताओ कि क्या करना पड़ेगा मुझे। ये है -3/8 का क्यूब डिवाइड बाय 9/4 का क्यूब। आकृति बोलो बेटा, आपका माइक ऑन है। आकृति आई कांट हियर यू। मैम -1/26। -1/26 करवाना जरा, कैसे किया है देखें जरा कहाँ गड़बड़ है। आंसर -1/26 तो नहीं है, दैट इज नॉट योर आंसर। टेल मी हाउ यू हैव डन इट। -3/8 पावर 3 करूंगी तो आंसर नेगेटिव में कि पॉजिटिव में बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन तो बाहर ही कर लेते हैं। ये हो गया 3/3 / 8/3, ठीक है ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसको क्या करूं, इससे डिवीजन करनी है तो व्हाट शुड आई डू? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? इसके रेसिप्रोकल के साथ, और इसका रेसिप्रोकल 4/3 / 9/3। अब आगे सिंप्लीफाई करवाओ, कैसे करवाओगे, पूरे पूरे एक्सपोनेंट कैलकुलेट करोगे या यहाँ पर 3 बेस है, यहाँ 9 है, ये 8, ये 4, कुछ बेस सेम करके काम कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स का यूज करके।
क्योंकि अगर आप पूरी वैल्यूज कैलकुलेट करके करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम, 9 का क्यूब करोगे फिर 4 का, फिर उसको कैंसिल करोगे, इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस. वी आर यूजिंग एक्सपोनेंट्स, यू शुड यूज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स ओनली. यहां पर पड़ा है 3 क्यूब, यहां है 9 क्यूब, क्या इस बेस को 3 में ले जा सकते हैं? बताओ कैसे लेके जाऊं? नाइन को क्या लिख सकती हूं? कैन आई राइट इट एज 3 स्क्वायर? मुझे बेस 3 लेके जाना है. 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर लिखेंगे और मुझे चाहिए 9 का क्यूब, तो ये हुआ 3 स्क्वायर का क्यूब. तो 3 की पावर कितनी? 5 के 6 इज द पावर 5 और 6 की पावर. 5 किसने कहा पहले वो बता दो मुझे, हु सेड 5? ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ऐड नहीं होती. पिछले क्वेश्चन में भी ये बात करके हटे हैं हम. सो ये बाहर नेगेटिव पड़ा है 3 का क्यूब और नीचे बना दिया 3 की पावर 6. अब बच्चे जैसे यहां 3 को देख करके इसके बेस को 3 में ले गए ताकि हम एक्सपोनेंट्स के रूल पे काम कर पाए. अब यहां पर बेस सेम करना है, क्या सेम कर पाऊंगी? क्या ये 4 बेस में जाएगा या ये 8 बेस में जाएगा? जा सकता है? बोलो जी कैसे करूं आगे? आकृति आप बैठो सीट पर. 8B से नितिश, नितिश फ्रॉम 8B. हाँ जी, है नितिश 8B? हाँ बोलो बेटा क्या करें? इनके बेस सेम करने हैं, कैसे करूं? चार, डिवाइड हाँ बोलो बोलो. करके कैसे डिवाइड होंगे? 1 की पावर 3 है. चलो बताओ क्या करूं, ये बताओ, समझाओ मुझे कैसे करूं. यहां है 4 पावर 3, यहां है 8 पावर 3. बहुत सारे तरीके हैं करने के, एक्चुअली कोई एक तरीका नहीं है. यू हैव गॉट लॉट मेनी वेज टू डू इट. आपको क्या स्ट्राइक करता है वो इंपॉर्टेंट है. बोलो बच्चे कैसे करूं? डिवाइड करके कह रहे हो, कैसे? 4 का क्यूब कैलकुलेट करूं और फिर 8 का क्यूब कैलकुलेट करूं, फिर कैंसिल वैंसिल करूं, ऐसा कुछ करूं या क्या करूं? बोल बेटा, या कुछ कह रहे हो? मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई? 4 का क्यूब कैलकुलेट करने के लिए 4 × 4 × 4 करूं? मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही. आप क्या करना चाहते हो? यही करना चाहते हो? एनीवन एल्स जिसने कोई और तरीका एक्सपोनेंट्स के रूल्स को यूज करके लगाया हो? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं कि 4 की क्यूब कैलकुलेट कर दिया और 8 की क्यूब कैलकुलेट कर दिया, वो नहीं चाहिए मुझे. इन दो को सबसे आसान तरीका जो है, क्या कर दूं मैं? क्या मैं इसे लिख दूं 4/8 होल क्यूब? कैसे लिख सकती हूं? यहां भी कर सकते थे. ये देखो जरा, यहां 4 का क्यूब हो रहा है, यहां 8 का क्यूब हो रहा है. तो कैन आई राइट 4/8 का क्यूब? यस ये बन गया 1/2. तो क्या आ गया? नेगेटिव पावर. ये ऊपर 3 पड़ा है, नीचे 6, तो नीचे आ गया 3 क्यूब और ये आ गया 1/2 का क्यूब. क्या ये बात समझ में आई है सबको? तो आंसर क्या बन जाएगा? अब इसको फर्दर लिख सकते हो 1/3/2 का होल क्यूब -1/6 का क्यूब, विच इज 216. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज -1/216. क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपकी समझ में आए काम वो करना है हमें. यहां पर आप देख रहे हो सभी की पावर्स 3 हैं,
तो यहां पर क्या मैं ऐसे भी लिख सकती थी इसको, 3/8 इंटू 4/9 होल पावर 3, क्योंकि सब चीजों की पावर 3 है। अगर डिफरेंट पावर्स हो फिर ये काम नहीं कर सकते। अभी एवरीवेयर द पावर इज 3, सो आई हैव टेकन इट आउट। ये 3 इससे कैंसिल, 4 इससे कैंसिल, -1/6 का क्यूब, सो अगेन योर आंसर इज -1/216। नाइन क्यूब को हमने 3 स्क्वायर लिख करके 3/6 और यहां से पावर रूल लगाया, वी कुड हैव डन दैट। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, फिर पावर 3 कर ली, पूरे की पावर 3 करके हमने कैलकुलेशन कर ली। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, किसी भी तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई है ये बता दो। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज -1/216। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा ध्यान से करना, इसमें भी गलती करने का चांस ज्यादा नजर आ रहा है मुझे क्वेश्चन को देख करके। टू बाय 3/2 होल क्यूब, 1/3 की पावर -4, 3 की पावर -1 और 1/3। फोर कितना? ओवर 64/81। ये हुआ 2/3/6। पावर पॉजिटिव करनी है 3/4, ये पावर पॉजिटिव करनी है 1/3। अब सेपरेट कर देते हैं, 2/6, 3/6, 3/4 और ये नीचे पड़ी है 3 स्क्वायर। नीचे 2 पावर्स हैं 3 की, इकट्ठा कर देते हैं 3/8। यहां 3 की पावर 4, यहां 3 की पावर 8, इकट्ठी करूं तो क्या बना दूं? पावर न्यूमिनेटर में हो रहा है 2/6। व्हाट इज 2/6? हाँ जी, व्हाट इज 2/6? 64। 3/4? 81। सो योर आंसर इन दिस केस इज 64/81। एक लास्ट पार्ट जो ये है लिफ्ट पेंसिल से पहले वाला, इसको कर लेते हैं, बाकी की अगली क्लास में देखेंगे। 2/3/-5, 2/3/-11, 2/3/8x। पावर्स बाकी बस बातें नहीं, बेस सेम होने पे पावर्स -5 और -11 करूं ऐड, क्या आएगा? क्या हो गया? कहाँ घूमना फिरना क्यों शुरू कर दिया क्लास में सबने? हाँ जी, 8 है, 10 कहाँ घूमते जा रही हैं ये? क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? टू बाय थ्री पावर माइनस फाइव, 2/3/-11, सो 2/3/-16। अब क्या करना पड़ेगा आगे? अगली क्लास में करते हैं, अभी यू पीपल आर नॉट इन द मूड टू डू इट। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, अगली क्लास में डिस्कस करके आगे करें। चलिए जी, ओके जी, बाय बाय। बाय मैम।